में अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, तभी से अमेरिका में भी भगवान राम के श्रद्धालुओं में अपार उत्साह देखा जा रहा है। रामलला के अयोध्या में विराजमान होने के समय भी बड़ी संख्या में अमेरिका स्थित विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में कार रैली निकाली गई थी। इसी क्रम में अब अमेरिका में व्यापक स्तर पर राम मंदिर रथ यात्रा निकाली जाएगी। रमजान का महीना चल रहा है, इस दौरान मक्का मदीना जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हो गया है। इस कारण टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के द्वारा टूर पैकेज की कीमतों में बड़ा बदलाव किया गया। उमरा ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटरों के द्वारा टूर पैकेजों की कीमतों में दोगुना इजाफा कर दिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज पार्टी के नेता आजम खान से सीतापुर जेल में करेंगे मुलाकात। पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अखिलेश का काफिला सुबह 11 बजे लखनऊ से सीतापुर पहुंचेगा और वह जेल में करीब एक घंटे तक आजम खान से करेंगे बातचीत। मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र मलाड में गुरुवार को 15 फीट गहरे भूमिगत सीवर के एक चैम्बर में गिरकर एक किशोर समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य की स्थिति नाजुक है। यह हादसा शाम करीब 5:30 बजे मलाड पश्चिम क्षेत्र के अम्बुजवाड़ी में अब्दुल हमीद रोड पर मालवानी गेट नंबर 8 पर हुआ। एक ही परिवार के 3 लोग सार्वजनिक शौचालय के भूमिगत सीवर नाले के 15 फीट गहरे चैम्बर में गिर गए। चुनाव आयोग के द्वारा कुछ ही दिनों पहले लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक दिया गया है। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल ने भी राज्य की 4 सीटों पर अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कोल्हापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की बुजुर्ग बहन सरोज पाटिल ने गुरुवार को कहा कि केवल पार्टी विभाजित हुई है, पवार परिवार नहीं। उन्होंने अपने भतीजे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार पर भी बात की। उन्होंने हाल ही में अपने चाचा शरद पवार पर निशाना साधा था। सरोज पाटिल ने कहा कि मैं यह साफ करना चाहती हूं कि पवार परिवार में कोई विभाजन नहीं है। नई दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने यह 16वीं गिरफ्तारी की है। इससे पहले जांच एजेंसी ने भारतीय राष्ट्र समिति की नेता के कविता को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ देश में सियासी भूचाल मचा हुआ है। तो पहले ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। इस बीच एक और मामला आज देखने को मिल सकता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुल्तानपुर की कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भूटान के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले पीएम मोदी की भूटान की प्रस्तावित राजकीय यात्रा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से नई तारीख को तय करने के बाद अब पीएम मोदी भूटान के लिए रवाना हुए हैं। इस बाबत पीएम मोदी की तस्वीर भी अब सामने आई है। भारत सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत मोदी 21-22 मार्च को भूटान जाने वाले थे। कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने गुरुवार की रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आज ईडी के द्वारा केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से केजरीवाल को गिरफ्तारी से कोई भी सुरक्षा न मिलने के बाद देर रात ईडी उनके